टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लिपिड मेटाबॉलिज्म. वी आर रेडी डिस्कस अबाउट जनरली डेट व्हाट इज लिपिड मेटाबॉलिज्म. यू नो डेट लिपिड मेटाबॉलिज्म हैज टू प्रोसेस, वन इज कैटाबॉलिज्म एंड द अदर वन इज एनाबॉलिज्म. इन दिस टॉपिक वी विल डेमोन्स्ट्रेट ऑन डेट व्हाट इज कैटाबॉलिज्म प्रोसेस एंड व्हाट इज फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस. दीज आर द टॉपिक आउटलाइंड डेट व्हाट इज लिपिड, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिपिड, टाइप्स ऑफ लिपिड, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड, कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड एंड फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस. व्हाट इज लिपिड? यू नो डेट द लिपिड इज द दीज आर द नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जनरली अनसोलेबल टू वाटर, बट इट इज सोलेबल इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, ईथर, बेंजीन. इट कंटेन्स द फंक्शनल ग्रुप विच इज़ नोन एज कार्बोनाइल ग्रुप. कार्बोनाइल ग्रुप एंड कार्बोनाइल ग्रुप इज अटैच विद द कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड दिस कम्बिनेशन विल मेक द लिपिड मालिक्यूल. दीज आर द वट आर द फंक्शंस ऑफ लिपिड. द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ लिपिड डेट एज अ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कंपोनेंट, के स्ट्रक्चर कंपोनेंट के तौर पे काम करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल लेपो, वो है हमारे पास लेपो प्रोटीन है एंड फास्फोलिपिड है, जो हमारे पास क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के काम करते हैं, स्ट्रक्चर बना देते हैं मेम्ब्रेन की. एज अ इंट्रा सेलुलर स्टोरेज डिपोजिट ऑफ द मेटाबॉलिक फ्यूल के तौर पे भी काम करते हैं. एज अ ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल के तौर पे भी काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं विद इन द सेल एंड आउट ऑफ द सेल, वो करते हैं ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. इसके अलावा क्या है, एज अ प्रोटेक्टिव फॉर्म ऑफ द सेल्स ऑफ मैनी बैक्टीरियल लीव्स ऑफ हाइयर प्लांट्स और एग्जोस्केलेटन ऑफ द इंसेक्ट्स एंड द स्किन ऑफ वर्टिब्रेट्स वगैरह में एज अ प्रोटेक्टिव काम करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं लिपिड लेयर जो है. दूसरा है रेगुलेटरी सब्सटेंस भी है. एज अ ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ सम न्यूरो, एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर के काम के तौर पे भी काम कर देते हैं. इसके अलावा क्या है, एज अ रिसेप्टर इन द नर्व्स एंडिंग मेम्ब्रेन में भी पाए जाते हैं हमारे पास. एज अ डिटरमाइन ऑफ एमिनो एमर्जिकल स्पेसिफिसिटी के तौर पे काम कर, जैसे IgM IgG जो है इसका ताल्लुक भी इसी से है. और एज अ एंजाइम कोफैक्टर के तौर पे भी काम करते हैं. टाइप्स ऑफ लिपिड हमारे पास फोर मेन टाइप्स हैं. फैटी एसिड है जो जिसमें दो टाइप्स होती हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट. वन इज हैविंग सैचुरेटेड फैट में कौन सा बॉन्ड होता है, कौन सा, सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होता है इसमें, डबल बॉन्ड होता है. ये रूम टेम्परेचर पे सैचुरेटेड जो होता है वो सॉलिड होता है, और ये जो है लिक्विड फॉर्म में होता है. ये ज़्यादातर जो सैचुरेटेड फैट होता है वो एनिमल सोर्स होता है, ये नॉन एनिमल सोर्स यानी प्लांट सोर्स है होती है. हमारे पास ग्लिसराइड जो है, ग्लिसरॉल कंटेनिंग लिपिड, ये भी याद रखो कि ग्लिसरॉल कंटेनिंग लिपिड जो होता है ये भी ज़्यादातर प्लांट्स ओरिजिन होती हैं, सही है. दूसरे तौर पे ये क्या है हमारे पास, दूसरा है नॉन ग्लिसराइड मीन जिसमें ग्लिसरॉल नहीं होते, जैसे स्पंजियोलिपिड, स्टेराइड और वैक्सेस हैं. और इसके अलावा हमारे पास दूसरा कम्प्लेक्स लिपिड जो है जिसमें लेपोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो है, कम्प्लेक्स टाइप ऑफ लिपिड है. दीज आर द टाइप्स हैं हमारे पास. हमारे पास मेन जो टॉपिक है वो ये है कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड क्या है. व्हाट इज़ डाइजेशन? डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, डाइजेशन क्या है? डेट इज डाइजेशन ऑफ लिपिड इनिशियली स्टार्ट इन द माउथ. ये कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, माउथ से स्टार्ट हो जाती है. द डाइट्री लिपिड्स लाइक द ट्राइग्लिसराइड विल एक्टिवेट द टेस्ट. लेकिन जब कभी हम गजाइत के तौर पे जब कोई लिपिड मालिक्यूल, जैसे ये लिपिड मालिक्यूल है ट्राइग्लिसराइड है, जब ये गजाइत के तौर पे खाने के तौर पे हम खाते हैं, व्हेन आवर टेस्ट बड्स, जब हमारे जो टेस्ट बड्स होते हैं हमारी ज़बान पे, जब इसको टच कर लेते हैं, जो टेस्ट बड इसको टच कर लेते हैं, तो क्या करते हैं, जो हमारे पास जो टेस्ट बड होते हैं वो सिग्नल देते हैं किसको, बट कनेक्टिंग टू द, जो कनेक्ट होते हैं वोन एबनर ग्लैंड के साथ, इसको सिग्नल देते हैं. और इसकी सिग्नल देने की वजह से वो क्या करते हैं, वोन एबनर ग्लैंड जो है स्पेशलाइज टाइप ऑफ एंजाइम रिलीज करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लिंगुअल लाइपेज एंजाइम. व्हाट द लिंगुअल लाइपेज एंजाइम विल डू, इट विल डू द, जो हमारे पास कौन सा डाइजेशन करते हैं, माइनर डाइजेशन, जो इनिशिएशन ऑफ माइनर डाइजेशन विच इज़ टेकन प्लेस बाय योर टंग. और
which is taken place by gland which is known as Von Ebner glands, और Von Ebner glands के कौन से इंजाइम के तौर पर लिंगुअल लाइपेज इंजाइम इसको कर देती है। हमारे पास जैसे हमारे पास ये क्या है, ट्राइग्लिसराइड डिग्रेडेशन जो है, ट्राइग्लिसराइड डिग्रेडेशन क्या चीज़ है, जो माइनर डाइजेशन के टाइप्स हैं, जैसे हमारे पास क्या है, ट्राइग्लिसराइड आर डिग्रेडेड, डिग्रेडेड मीन माइक्रो मालिक्यूल डिग्रेड हो जाता है माइक्रो मालिक्यूल में बाई लाइपेजिस टू फॉर्म फ्री फैटी एसिड, इससे बनाते हैं और ग्लिसरॉल बनाते हैं। जैसे दिस इज द मालिक्यूल ऑफ ट्राइग्लिसराइड एंड दिस by the hydrolysis process and by the lipase enzyme it will act on this, so it will convert into what, fatty acid molecule and what is this, glycerol molecule में convert हो जाता है, सही है। फिर आप लोग further पढ़ोगे कि glycerol जो है cytosolic pathway की तरफ चलता है for the digestion process के लिए, जो Krebs cycle में enter हो जाते हैं, जो citric acid cycle जो आप लोग previous में पढ़ चुके हों, जबकि fatty acid जब enter हो जाते हैं वो कौन से pathway में, माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे जो है वहाँ पर बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। आप लोग ने भी पढ़ा था कि ग्लिसरॉल फॉर्मेशन जो है हमारे पास एक दूसरे पाथवे से भी फॉर्मेशन होते, इस पाथवे का नाम क्या है, ग्लूकोज से होता है, यानी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में भी हमारे पास ग्लिसरॉल होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट ओरिजिन से भी हमारे पास क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ लिपिड हो सकता है। ये नहीं है कि मैं कार्बोहाइड्रेट डाइट खाऊँगा मेरा फॉर्मेशन ऑफ लिपिड यानी ग्लिसरॉल फॉर्मेशन नहीं होगा, तो फॉर्मेशन होगी कब होती है, ये ग्लिसरॉल फॉर्मेशन कब होती है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में जब हो जाती है स्टोरेज फॉर्म में, हाँ जब एक्स्ट्रा हमारे पास आ जाती है। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफेज़ है, जैसे लिंगुअल लाइफेज है, Von Ebner gland जो टंग में होते हैं वो उसको माइनर डाइजेशन करा देता है, जैसे हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड प्रेजेंट इन फूड और परसेप्शन ऑफ फैट टेस्ट, जो हम फैट टेस्ट जब करते हैं इसकी परसेप्शन करते हैं, इसके परसेप्शन की वजह से ये एक्टिवेट हो जाता है, इस एक्टिवेशन की वजह से लिंगुअल लाइपेज एंजाइम वो रिलीज हो जाती है। जब हमारे पास जब टंग से ये स्टमक की तरफ चलता है देन एनदर ऑर्गन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डाइजेशन ऑफ व्हाट, लिपिड की डाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन देते हैं, फंडस गैस्ट्रिक चीप सेल जो है इसका वो करता है, ये क्या करता है, इसकी जब ये चला जाता है तो ये क्या रिलीज करता है, गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम वो करते हैं, तो मेजर डाइजेशन करा देता है और हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड फ्रॉम फूड जो हम गजाइत के तौर पे खाते हैं, दिस इज़ द डाइजेशन प्रोसेस, दिस इज़ द सेकंड वन। एंड द थर्ड वन, जब आगे जाके जो हमारे गजाइत जब ड्यूडेनम की तरफ चलता है तो वहाँ पर हमारे पास पेंक्रियाज जो है, पेंक्रियाटिक एसिनार सेल जो है, टू टाइप्स ऑफ एंजाइम वो रिलीज करते हैं, वन इज नोन एज पेंक्रियाटिक ट्राइग्लिसराइड लाइपेज, द अनदर वन इज कार्बोक्साइल एस्टर लाइपेज जो है। तो हमारे पास पेंक्रियाटिक ट्राइग्लिसराइड लाइपेज एंजाइम जो है वो क्या कर लेते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड फ्रॉम फूड, ये सिर्फ इसका काम क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड से इसका काम होता है, जबकि दूसरा एस्टर लाइपेज का काम क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज और क्या है, मोनोग्लिसराइड है, फास्फोलिपिड है और लाइसो फास्फोलिपिड और सेरामिड वगैरह इसके डाइजेशन कराते हैं, दीज आर द डिफरेंट वो है हमारे पास यहाँ तक गए। लेकिन यहाँ पर फिर ड्यूडेनम में इसके साथ कौन मिलता है, वहाँ पर बाइल साल्ट भी मिलता है, फिर मजीद डाइजेशन के लिए काम करते हैं फॉर द माइसिल बना देता है जो डिटर्जेंट लाइक होता है। तो हमारे पास ये डाइजेशन एंड स्टमक जो है मजीद वो पढ़ते हैं कि डाइजेशन एंड स्टमक क्या है, गैस्ट्रिक लाइफेज सिक्रीटेड इन स्मॉल क्वांटिटीज जो है वो सिक्रीट होती हैं, मोर इफेक्टिव हमारे पास कितने, मोर इफेक्टिव एट द पीएच ऑफ 7.8 द गैस्ट्रिक लाइफेज विल डू देयर वर्क इफेक्टिवली, व्हेन द पीएच इज लो और हाई द इफेक्शन ऑफ गैस्ट्रिक लाइफेज एंजाइम विल बी डिक्रीज डाउन। तो इफेक्टिवली कौन से इस पीएच पे काम कर देते हैं, 7.8 पे, रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, इसके लिए कैल्शियम का होना लाजिम है। आप लोग देखे होंगे कुछ जो है हमारे एज अ मेडिकेशन में कुछ हमारे पास स्टमक अल्सरेशन के लिए कुछ ऐसे मेडिकेशन है जैसे म्यूकेन वगैरह, कुछ ऐसे एलिमोनियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये चीज़ें मौजूद हो, इसका काम क्या होता है अल्कलाइन नेचर बनाना होता है, अल्कलाइन नेचर बनेगा तो गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम विल डू देयर वर्क इफेक्टिवली, सही है। तो इसके इफेक्शन को बढ़ाने के लिए कुछ एज अ मेडिकेशन भी हम ये देते हैं।
हमारे पास लेस इफेक्टिव इन स्टमक ड्यू टू द एसिडिक पीएच। जब एसिडिक पीएच, जब पीएच लेवल क्या हो, कम हो जाए, तो वहाँ पर लेस इफेक्टिव होगा एक्सेप्ट व्हेन इंटेस्टाइनल कॉन्टैक्ट आर रिगर्जिटेट एंड टू द गैस्ट्रिक लेमिन में क्या हो जाती है, रिगर्जिटेशन हो जाती है। नॉट इफेक्टिव फॉर लॉन्ग चेन फैटी एसिड। याद रखो कि हमारे पास जो गैस्ट्रिक लाइपेज है वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड की तौर पे काम नहीं करता है, जिसका यानी नंबर ऑफ कार्बन कितना हो, मोर देन 14 या 12 से ज़्यादा हो, इस पे काम इफेक्टिवली नहीं करता है। मोस्ट इफेक्टिवली ओनली व्हेन द कार्बन चेन इज लेस देन 12। सो द गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम विल डू वर्क इफेक्टिवली ओनली फॉर द मीडियम चेन एंड आल्सो फॉर द शॉर्ट चेन के लिए काम कर देते हैं। हमारे पास मिल्क है, एग योल्क एंड फैट्स कंटेनिंग शॉर्ट चेन फैटी एसिड है। इसी तरह तो द मिल्क एग योल्क इज डाइजेस्टेड बाई गैस्ट्रिक लाइपेज इफेक्टिवली बिकॉज दे आर हैविंग शॉर्ट चेन, सही है, तो इसलिए इसके खिलाफ वो कर देते हैं, इफेक्टिवली काम कर देते हैं। हमारे पास ट्राइग्लिसराइड, फिर ये कन्वर्ट हो जाते हैं ट्राइग्लिसराइड में, ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, फिर में फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे पास रूल ऑफ फैट्स एंड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, हमारे पास क्या है, हमारे पास रूल ऑफ फैट्स एंड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, यानी जब हमारे पास डाइजेशन हो गई, इस फैट्स को स्टमक से निकालने के लिए वो क्या काम है, कैसे काम कर देते हैं, फैट्स जलेदा। फैट्स का काम क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने बिरयानी खा ली, दूसरी तौर मैंने क्या खाया, फैट्स खाया, तो दोनों का काम क्या है, कौन सा जल्दी डाइजेशन होगी, चावल की यानी बिरयानी की, एज़ कम्पेयर टू फैट्स। वाई, क्योंकि हमारे जिस्म में क्या है, फैट्स क्या करते हैं, डिले द रेट ऑफ एम्प्टिंग ऑफ स्टमक, क्या करते हैं, स्टमक की एम्प्टिंग को क्या कर लेते हैं, डिले कर देते हैं। रीज़न क्या है, एक्शन इज ब्रॉट अबाउट बाई द एक्शन ऑफ एंटीरोगेस्ट्रोन, जो है हमारे पास हमारा स्टमक जो है खास किस्म का एंजाइम रिलीज करते हैं विच इज़ नोन एज एंटीरोगेस्ट्रोन। जब बाई द रिलीजिंग ऑफ द एंटीरोगेस्ट्रोन the emptying of stomach जो है वो क्या हो जाएगा, will be delayed down, जिसकी वजह वो कैसे करते हैं, what's the function of enterogastron, वो क्या करते हैं, आपकी जो intestinal या stomach की जो motility है उसको क्या कर लेती, delay कर देती। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम fat diet कहेंगे, it also leading cause for what, constipation भी cause कर लेते हैं, क्योंकि abdominal motility को क्या कर लेती हैं, रिटायर कर लेती हैं, जिसकी वजह से डिस्चार्ज ऑफ बोलस ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक क्या हो जाती है, कम हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से चांसेस ऑफ कंस्टिपेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दस फैट्स हैव अ हाई वो है, क्या है, स्टाइटी वैल्यू। स्टाइटी वैल्यू का मतलब क्या है, व्हाट्स मीन बाय स्टाइटी वैल्यू, मैंने बताया था क्लास में, हाँ, हैवीनेस जो है वो करते हैं। तो हमने ये आपको यही बताया, बिरयानी वर्सेस फैट, कार्बोहाइड्रेट वर्सेस फैट। तो जब कोई फैट वगैरह चर्बी वाला गजाइत का है और दूसरा बिरयानी का है, तो किसको फिर बारीपन होते हैं स्टमक में, किसको कौन से खाने वाले को, फैट्स वाले खाने को, क्योंकि वो क्या करते हैं, ड्यू टू द ईटिंग ऑफ द फैट टाइप ऑफ डाइट, दोज टाइप ऑफ स्टमक विल रिलीज ऑफ एंटीरोगेस्ट्रोन। द एंटीरोगेस्ट्रोन विल लीड टू द डिक्रीज द एब्डोमिनल मोटिलिटी, एंड ड्यू टू द डिक्रीज द एब्डोमिनल मोटिलिटी द पर्सन विल बी फील लाइक हैवीनेस इन द स्टमक, सही है, बारी बारी पन वो करते हैं, फिर अपने फेट को भी इस तरह कर सकते हैं। तो हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ लिंगुअल लाइपेज एंड गैस्ट्रिक लाइपेज, दोनों की क्या इंपॉर्टेंस है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द लिपिड डाइजेशन एंड द न्यूनेट्स, सिंस मिल्क इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, सही है, इसकी बच्चों में अहम किरदार अदा करते हैं, इसका काम है फॉर द डाइजेशन प्रोसेस, इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम इन द पेंक्रियाटिक। हाँ, हमारे पास गैस्ट्रिक लाइपेज और लिंगुअल लाइपेज जो है हमारे पास, इसमें भी बहुत किरदार अदा करते हैं। जब कभी पेशेंट को पेंक्रियाटाइटिस हो, पेशेंट जो है अल्टर फंक्शन ऑफ पेंक्रियाज हो, तो क्या करते हैं, दिस द लिंगुअल लाइपेज एंजाइम एंड द गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम विल डू वर्क व्हाट एज अ क्या बोलते हैं एज अ अल्टरनेटिव फॉर्म जो है इसका कुछ हद तक के लिए, कुछ वक्त के लिए क्या करते हैं, एज अल्टरनेटिव फॉर्म जो है वो उसके काम को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकता है, कौन कर सकता है, लिंगुअल लाइपेज और गैस्ट्रिक लाइपेज। हमने ये कहा डाइजेस्टिव एंजाइम इन पेंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी सच एज सिस्टिक फाइब्रोसिस हो या अदर पेंक्रियाटिक डिसऑर्डर हो, तो ये दोनों काम कर सकते हैं इसके, यानी अल्टरनेटिव फॉर्म। लिंगुअल एंड गैस्ट्रिक लाइपेज जो है कैन डिग्रेड द ट्राइग्लिसराइड को डिग्रेड कर सकता है, मीन डिग्रेड का मतलब क्या है,
माइक्रो कर सकता है, तोड़ सकता है विद शॉर्ट एंड मीडियम चेन में फैटी एसिड में इन पेशेंट विद पैंक्रियाटिक डिसऑर्डर के साथ और डिस्पाइट अ नियर और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ पैंक्रियाटिक लाइपेज की कंप्लीटली एब्सेंट में या थोड़ा बहुत ख़राबी की हालत में भी क्या कर सकते हैं लिंगुअल लाइपेज और दूसरा कौन सा है गैस्ट्रिक लाइपेज जो है इसके ख़िलाफ़ काम कर सकते हैं। हमने ये पढ़ा था, ये स्लाइड पढ़ा है। अभी स्टेप्स ऑफ लिपिड डाइजेशन एवं एब्जॉर्प्शन, हमारे पास दो स्टेप्स है, कौन कौन से, पहले डाइजेशन होती है फिर एब्जॉर्प्शन होती है। पहले डाइजेशन क्यों होती है, वाई नॉट द एब्जॉर्प्शन टेकन प्लेस फर्स्ट, क्योंकि हाँ क्योंकि हमारे इंटेस्टाइनल जो है मेक्यूजल सेल या इंटेस्टाइनल ल्यूमिनल सेल में ये कैपेबिलिटी नहीं होती है टू एब्जॉर्ब वेल बिकॉज द लिपिड मॉलिक्यूल इज अ मैक्रो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द आफ्टर द डाइजेशन प्रोसेस द मैक्रो मॉलिक्यूल विल बी कन्वर्टेड टू द माइक्रो मॉलिक्यूल। सो द एब्जॉर्बिलिटी बाय योर इंटेस्टाइनल सेल और द इंटेस्टाइनल ल्यूमिनल सेल विल बी पॉसिबल, पॉसिबिलिटी हो जाती है, इसलिए ये हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले डाइजेशन का होना लाजिम है। फर्स्ट ऑफ ऑल द माइनर डाइजेशन, माइनर डाइजेशन में हमारे पास ट्राइग्लिसराइड है, एसाइल ग्लिसराइड, डाई एसाइल ग्लिसराइड में फिर फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। माइनर डाइजेशन कौन कौन करता है, माउथ एंड स्टमक में होता है और लिंगुअल, कौन कौन से लिंगुअल और गैस्ट्रिक लाइपेज इसको करता है, सही है, ये हमारे पास माइनर डाइजेशन में। मेजर डाइजेशन में क्या होती है, ऑल होता है, ट्राइग्लिसराइड कन्वर्ट होता है मोनोएसाइल ग्लिसराइड में और टू फैटी एसिड में। फिर दूसरा कौन सा है, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर जो है इसको कौन करता है, कोलेस्ट्रॉल में और ईस्टर में कन्वर्ट करता है, कौन करता है इसको, कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज एंजाइम और कोलीफेज एंजाइम इसको कन्वर्ट करता है। और ये कहाँ पर होते हैं, लोमिनल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होते हैं, सही है, लोकेशन वहाँ पर होता है हमारे पास। और दूसरा ये क्या है, पीएलमीन, पीएल क्या है, फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड किस में कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड में और लाइसो फास्फोलिपिड में कन्वर्ट हो, इसको कौन करता है, फास्फोलाइपेज एंजाइम A2 जो है ये एंजाइम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। इसमें हमारे पास ये क्या है, दिस इज द डाइजेशन प्रोसेस, डाइजेशन प्रोसेस हो गई, फिर डाइजेशन प्रोसेस के बाद क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ मिक्स माइसल्स बनता है। ये माइसल कौन बनता है, बाय द एक्शन ऑफ बाइल साल्ट, सही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसके साथ फिर कौन बनता है, बाइल साल्ट बनता है और इस बाइल साल्ट के मिलने की वजह से एट वर्क एट फॉर्म लाइक क्या एट डिटर्जेंट लाइक बना देता है, तो बायोलॉजिकल डिटर्जेंट है इससे बना देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये होता है, सही है। इसके बाद जब बाइल साल्ट, फिर इसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस पॉसिबिलिटी होती है। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के लिए क्या करते हैं, हमारे पास फेसियो एब्जॉर्प्शन ऑफ द लिपोलाइटिक प्रोडक्ट्स, फेसियो का मतलब क्या है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर, सही है, जैसे जैसे ये माइक्रो मॉलिक्यूल बनेंगे ऑटोमेटिकली द इंटेस्टाइनल लोमिनल सेल विल बी टेकन एच, इसको टेकन अप करेगा और इसके टेकन अप करने की वजह से फिर क्या होगा, जो लिपोलाइटिक प्रोडक्ट है इसको दोबारा क्या बनाएगा, इसको दोबारा इंटू इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल, ये तो हो गया, इससे फिर दोबारा क्या करें, लिपोलाइटिक प्रोडक्ट्स को उसको दोबारा क्या करेंगे, असेंबली करेंगे, असेंबली मीन अरेंजमेंट, दोबारा अरेंजमेंट करेंगे, अरेंजमेंट मीन दोबारा इसको क्या करेंगे, दोबारा मैक्रो मॉलिक्यूल बनाएंगे। इस मैक्रो मॉलिक्यूल में क्या क्या कोलेस्ट्रॉल मिले हुए होते हैं, इस मैक्रो मॉलिक्यूल में क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड भी मिला होता है, इस ट्राइग्लिसराइड के साथ साथ फास्फोलिपिड भी मिला होता है, इस ट्राइग्लिसराइड के साथ प्रोटीन भी मिले हुए होते हैं, इसी विटामिन ई, हाँ फैट सोलिबल विटामिन भी ई भी मिले हुए होते हैं, हाँ जब ये मिल जाते हैं इससे एक कम्बिनेशन एक कम्प्लेक्स फॉर्म बनाते हैं विद इन द इंटेस्टाइनल लोमिनल सेल में बनते हैं, इसी वजह से इस कम्प्लेक्स फॉर्म को हम क्या कहते हैं, काइलो माइक्रोन कहते हैं। जब ये काइलो माइक्रोन बनता है, ये काइलो माइक्रोन फिर आगे जाके ये स्मॉल इंटेस्टाइन ही में है, स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे जाके कहाँ पर चला जाता है, बाय द लिम्फेटिक सिस्टम में, और लिम्फेटिक सिस्टम से ब्लड से टिशू की तरफ, और टिशू की तरफ फिर हमारे पास क्या हो जाता है, टिश्यू की तरफ हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, कौन सा एंजाइम होता है, लेपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम, लेपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम जो है काइलोमाइक्रोन को टेकन अप कर लेते हैं, लेपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम क्या कर लेते हैं, हमारे पास काइलोमाइक्रोन पे खास किस्म का रिसेप्टर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, कौन सा होता है FO2 रिसेप्टर होते हैं, और लेपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम इस रिसेप्टर को पहचान लेते हैं इसको, और इसको क्या करते हैं, ट्राई एसाइल ग्लिसराइड को कन्वर्ट करता है किस में, फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और यहाँ से हमें ATP प्रोडक्शन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन होती है।
और जब एक्स्ट्रा होता है फिर क्या होता है हमारे पास, स्टोरेज फॉर्म में लेके आते हैं, ये पूरा है। लेकिन दोबारा अगर यहाँ पर अगर इस डायग्राम में हम पढ़ते तो हमारे पास माइनर डाइजेशन एंड माइनर डाइजेशन हो गई, गैस्ट्रिक लाइफेज एंजाइम ने यहाँ पर काम कर दिया। फिर यहाँ पर कहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या, गाल ब्लेडर से यहाँ पर बाइल साइड मिल गई, तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर माइसल बन गई, मिक्स प्रोडक्ट बन गई। देखो बाइल साल्ट एमल्सिफाइड डाइट्री फैट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, माइसल बन गई। जब माइसल बन गई तो फिर क्या हो गया, इंटेस्टाइनल लाइफेज डिग्रेडेड ट्राइग्लिसरॉल, ये तो हो गए, सही है, ये बन गए। फिर क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो गए, डिटर्जेंट बन गए तो फिर क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो गई। फिर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस से दोबारा क्या बन गया, ट्राइग्लिसरॉल आर इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या है, मिलना, शामिल होना, इनकॉर्पोरेटेड विद कोलेस्ट्रॉल के साथ, एपोलेपोप्रोटीन के साथ मिलके क्या बनाते हैं, काइलोमाइक्रोन बना देते हैं। ये सब चीज़ें मिलके काइलोमाइक्रोन बनाएंगे, यही काइलोमाइक्रोन फिर क्या हो जाएगा, मूव थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम से और ब्लड स्ट्रीम टू द टिश्यू की तरफ चला जाता है। और फिर ये क्या होगा, लेपोप्रोटीन लाइपेज जो है एक्टिवेटेड बाय लेपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम जो है, यहाँ पर एपोक टू रिसेप्टर होते हैं किसमें, काइलोमाइक्रोन पे, हाँ, जो क्या करते हैं, लेपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट कर इसके साथ बाइंड करके टिश्यू इसको इन कर लेते हैं। जब इसको इन कर लेते तो फैटी एसिड एंटर द सेल, सही है, ट्राइग्लिसराइड से, हाँ, और ये बन जाता है। फैटी एसिड्स आर ऑक्सीडाइज एज अ फ्यूल और रीएस्टिफाइड जो होते हैं फॉर स्टोरेज, जब हमारे पास एक्स्ट्रा होते तो फिर वो क्या हो जाते हैं, हमारे पास स्टोर हो जाते हैं। तो इसमें इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें ना, या कुछ सबर कौन सा, ये वाला क्या बताऊँ, हाँ, तो काइलोमाइक्रोन क्या करता है, फैटी एसिड, हाँ, एन एपिथेलियल सेल ट्राइग्लिसराइड आर रिफॉर्म, एपिथेलियल सेल यानी जस्ट जब हमारे पास इंटेस्टाइनल सेल ने जो क्या क्या लिया, ट्राइग्लिसराइड जो है, सॉरी, जो डिटर्जेंट है, जब इसको एंटर कर, डिटर्जेंट किस में जब एंटर हो जाते तो फिर ट्राइग्लिसराइड जो है वहाँ पर दोबारा रिफॉर्म हो जाते हैं अलॉन्ग विद अदर फैट्स के साथ और इंक्लोज बाय ए मेम्ब्रेन फ्रॉम द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, यहाँ पर क्या हो जाते हैं, इंक्लोज एक मेम्ब्रेन लाइक बना देते हैं, जैसे ये है काइलोमाइक्रोन जैसे वो बना देते हैं। और फिर क्या हो जाते हैं, दे आर कोटेड विद अ प्रोटीन टू फॉर्म काइलोमाइक्रोन, सही है, और एंटर लेक्टिल्स टू द ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लड। लेक्टिल जो है एक लिम्फेटिक टिश्यू का वो है, तो वहाँ से एंटर होके ब्लड और ब्लड से फिर टिश्यू की तरफ चला जाता है। और जब ये टिश्यू की तरफ चला जाए वो तो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, हम यहाँ पर दोबारा पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत डिटेल है, इसके बाद ही दूसरा बंदा आएगा। माइनर डाइजेशन, माइनर डाइजेशन कौन से, किसने, गैस्ट्रिक लाइफेज एंजाइम ने किया। फिर यहाँ पर एंटर हो गया डिटर्जेंट हो गई, डिटर्जेंट किसके वजह से, बाइल साल्ट की वजह से एंटर हो गया ना, बाइल साल्ट की वजह से, और पेंक्रियाटिक लाइफेज एंजाइम ने इसको क्या कर, डिग्रेडेशन, देखो दिस इज द मैक्रो मॉलिक्यूल तो यहाँ पर माइक्रो मॉलिक्यूल बना दिया। फिर यहाँ पर क्या हो, इंटेस्टाइनल म्यूक्यूजल सेल में जब एंटर हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है हमारे पास, जब इंटेस्टाइनल, फिर ये क्या होगा, देखो टू फैटी एसिड और मोनो एसाइल ग्लिसरॉल दोनों में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर ये जब दोनों एंटर हो जाते हैं इंटेस्टाइनल म्यूक्यूजल सेल में, दोबारा क्या बन जाते हैं, देखो हमने पढ़ लिया कि जब डिटर्जेंट फैटी एसिड मोनो एसाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ लाइफेज एंजाइम जो है, जब ये बन गए तो फिर क्या हो गया, दिस टाइप ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल विल एंटर इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूक्यूजल सेल, जब एंटर हो जाते तो फिर वहाँ पर इंटेस्टाइनल म्यूक्यूजल सेल में दोबारा ये ऐड हो जाते हैं, यानी टू फैटी एसिड और मोनो एसाइल ग्लिसरॉल दोनों ऐड होके ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जो है कन्वर्ट एपोप्रोटीन, हाँ सही है, इसके साथ, हाँ इसके साथ 48 के साथ ऐड होके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, काइलोमाइक्रोन में, और यही काइलोमाइक्रोन एंटर हो जाते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में, और यही लिम्फेटिक सिस्टम आगे जाके किस में, आगे जाके काइलोमाइक्रोन जो है किस में, टिश्यू की तरफ। तो कुछ जो है हमारे पास यहाँ पर ख़ास रिसेप्टर होते हैं, तो काइलोमाइक्रोन जो है कुछ यूज़ होते हैं, जो यूज़ अप हो जाते हैं फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो रिमेनिंग हो जाते हैं इस काइलोमाइक्रोन को हम क्या कहते हैं, काइलोमाइक्रोन रेमिडेंट कहते हैं, और यही काइलोमाइक्रोन रेमिडेंट जो है विल एंटर इनटू द किस में एंटर हो जाते हैं, लीवर में, और जब ये लीवर में एंटर हो जाते हैं तो फिर ये दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल में, और यही ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल किस में कन्वर्ट हो जाता है, वीएलडीएल में।
तो अभी तक हमारा ये कंसेप्ट है कि VLDL हमारे खाने में होता है, HDL हमारे खाने में होता है, नहीं। क्योंकि अगर हमें ये पता होता कि HDL हमारे खाने में होता है तो हम ये कह सकते थे कि जिस पेशेंट को हाइपर लिपिडेमिक हो तो इसको हम क्या करते हैं, हाई HDL डाइट दे देते, इसका इलाज हो जाता, हमें कोई मेडिकेशन की नीड नहीं पड़ती, तो ये कंसेप्ट गलत है। तो हम ये कह सकते हैं कि चाहे VLDL हो, चाहे HDL हो, चाहे काइलोमाइक्रोन हो, चाहे LDL हो, दीज आर ऑल प्रोड्यूस बाई वट, ये कौन बना देता है, हमारा जिसम लीवर बना देता है। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ VLDL एज फॉर्म फ्रॉम द ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, और VLDL बन गया, VLDL फिर कहाँ पर चलेगा, टिशू की तरफ, टिशू पे हमारे पास यहाँ पर रिसेप्टर है, लेपोप्रोटीन लाइपेज है, उसको ले लेगा, और जब कुछ रिमेनिंग होगी जो VLDL उसको किस में कन्वर्ट करेगा, IDL, और IDL जो है आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ जो है यूज अप हो जाते हैं IDL, और यही IDL आगे जाके किस में, कोलेस्ट्रॉल में, और यही कोलेस्ट्रॉल जो है इसको टेकन अप कर लेते हैं, कौन टेकन अप कर लेते हैं, हाँ, लेकिन HDL जो है, HDL का प्रोडक्शन कौन करता है, ये भी लीवर करते हैं, और हाँ लीवर, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में मेंशन नहीं है डायरेक्टली किस में, लेकिन ये हम ये कह सकते हैं कि HDL एज एट्रेक्टिव टूवर्ड्स द कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल की तरफ चलेगा, कोलेस्ट्रॉल कहाँ पर होते हैं, हमारे टिश्यू में और आर्टरीज में ज़्यादातर होते हैं ना, विच लीडिंग कोज द प्लग बना देता है, जो आर्थरोस्क्लेरोटिक प्लग बनाते हैं, जो हार्ट अटैक की चांसेस वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। तो क्या करते हैं, HDL जो है आर्टरीज और वेन्युलर साइड और टिश्यू लेवल साइड से वो क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पर ये LDL या कोलेस्ट्रॉल लेवल होते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, इसको एंगल्प करके किस की तरफ लेके आते हैं, लीवर की तरफ, और लीवर जो है क्या किस में, बाइल साल्ट के ज़रिए ये एक्सपेल आउट हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फिजियोलॉजिकल जो है कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म में जमा नहीं होता है, जब कभी हमारे आर्थरोस्क्लेरोटिक प्लग हो, जब कभी हमारे पास कोलेस्ट्रोलीमिया हो, कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हो रहा हो, तो क्या दिस इज़ द पैथोलॉजिकल होता है। लेकिन फिजियोलॉजिकल जो है नॉर्मल फंक्शनली क्या होता है, हमारा जिस्म कभी भी कोलेस्ट्रॉल को रहने नहीं देता है, बल्कि इसको एक्सपेल आउट करते हैं। तो इसमें एक्सपेल आउट होने में कौन फैसिलिटेट करता है, हमारा कौन करता है, HDL करता है, HDL इसको लेके आता है इस तरफ। हमारा ये कंसेप्ट ये भी था कि मछलियों की क्या बोलते हैं गोश्त में HDL होता है, ये नहीं है, कंसेप्ट गलत है, बल्कि उसमें ओमेगा 3 होता है, वो फैसिलिटेट करते हैं टू फॉर द HDL प्रोसेस को, क्या कहते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। और क्या चीज़ें हैं हमारे VLDL यहाँ पर हमारा IDL बन गया, IDL जो है दोबारा टिश्यू की तरफ और कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होके यहाँ पर जमा हो जाते हैं। लेकिन जब कभी HDL को पता चलता है कि यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, तो HDL वहाँ पर लीवर से रिलीज होके इसको लीवर की तरफ लेके आएगा और बाइल साल्ट के ज़रिए एक्सपेल आउट करेगा, सही है। ये हमारे पास कंसेप्ट है अबाउट दिस प्रोसेस, हमने ये पढ़ लिया। नाउ द सुलेमान विल बी कंप्लीट दिस सेशन, कम सून प्लीज, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग यू शुड डू, उसका था।